अगर आप भी वेज दम बिरयानी बिल्कुल सही तरीके से बनाना चाहते हो तो बस एक काम करना है, मेरा वीडियो लास्ट तक देखना है आपको, इसके सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं अच्छे से, तभी आपकी परफेक्ट वेज दम बिरयानी तैयार हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियाँ ली हैं, बहुत ही कलरफुल लग रही है। तो यहाँ पर मैंने एक आलू लिया है, उसको काट लिया अच्छे से, हाफ रेड बेल पेपर ली है, मटर लिए हैं आधा कप, एक येलो बेल पेपर लिए हाफ, और कैप्सिकम लिया है हाफ। यहाँ पर कुछ बीन्स लिए हैं 8 से 10, और यहाँ पर एक कैरेट ली है। यहाँ पर हाफ कप जितना मैंने कॉलीफ्लावर लिया है। तो अब हम इन सबको मैरिनेट करेंगे। तो इसके लिए मैं एक बर्तन में ले लूँगी इसको, इसमें हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्ची, और यहाँ पर धनिया पाउडर हाफ टेबल स्पून, ये जीरा लिया है 1 टेबल स्पून, थोड़ा सा नमक इसको थोड़ा ही डालेंगे स्टार्टिंग में, और यहाँ पे थोड़ा सा केसर डालूँगी, साथ ही कुछ पुदीने के पत्ते, और 1 टेबल स्पून जितना घी, 1 कप दही, साथ ही ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, अदरक लहसुन का 2 टेबल स्पून, और यहाँ पर मैंने जावित्री और इलायची का पाउडर डाला है 1/2 टेबल स्पून। अब हम इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैं कुछ 1/4 कप जितने फ्राइड क्रिस्पी अनियन डालूंगी, इसकी रेसिपी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको मैं 15 से 20 मिनट के लिए साइड में रख लूँगी। यहाँ पर मैंने 2 कप जितने बासमती राइस लिए हैं, उसको धो के और 30 मिनट के लिए सोक करके रख लिए हैं। तो अब हम इसको बॉईल करेंगे, इसके लिए मैं पानी लूँगी, उसमें 1 बड़ी इलायची, 1 जावित्री, लौंग 2 से 3, और 1 ब्लैक पेपर 4 से 5 लिए है, थोड़ा सा नमक डाल के उसमें 3-4 तेज़ पत्ते डाल के इसको बॉईल करेंगे, और ये बॉईल होने पर इसमें हम राइस डाल देंगे। ध्यान रखिएगा कि पानी अच्छे से बॉईल होना चाहिए, और इसको 80% तक हम राइस को कुक करेंगे। जब तक राइस बॉईल होता है तब तक हम थोड़ी सब्जी को फ्राई कर लेंगे। उसके लिए 1 टेबल स्पून घी लेंगे दूसरे बर्तन में, 1/4 कप जितना ऑयल, और उसमें 1 जावित्री, 2 लौंग, और यहाँ पे कुछ जीरा डाल दिया है मैंने 1 टेबल स्पून जितना। साथ ही हमारी जो मैरिनेट की हुई जो सब्जियाँ थी वो इसमें डाल देंगे, और इसको एकदम अच्छे से चला लेंगे। तो अब देखते हैं, हमारे राइस एकदम अच्छे से कुक हो गए हैं 80% तक। तो अब हम इसमें से पानी निकाल देंगे और इसको थोड़े ठंडे पानी से धो के और उसको प्लेट में फैला के रख देंगे ठंडे होने के लिए। मैं इसको 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम स्लो फ्लेम पर ढक के रख दूँगी, और उसके बाद भी आप इसको लगभग चलाते रहिए थोड़े टाइम तक, जब तक ये 80% तक इसके वेजिटेबल्स कुक नहीं हो जाते, आप इसको चेक कर सकते हैं। तब तक हम एक काम करते हैं, झोल बनाते हैं। उसके लिए मैं 1 टेबल स्पून घी, 1 टेबल स्पून ऑयल लूँगी, और साथ ही इसमें थोड़ा सा केसर डालेंगे, और 1/2 कप जितना मिल्क डालेंगे इसमें, पहले 1/2 कप ही डालना है। साथ ही 2 से 3 हरी मिर्च डालेंगे, उसको काट के डालेंगे, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और उसके बाद 1/2 कप दूध और डालेंगे, और उसको मीडियम फ्लेम पर हम गर्म होने देंगे। यहाँ पर मैंने केवड़ा वाटर डाला है 1 टेबल स्पून, और रोज़ वाटर 1/2 टेबल स्पून, इससे बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर आता है। तो ये हमारा झोल तैयार हो चुका है, उसमें उबाल आना है। हाँ, यहाँ पर हमारी सब्जियाँ भी तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हो ये लगभग 80% तक कुक हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, एक तवा लेंगे, उसको मीडियम स्लो फ्लेम पर रखेंगे स्टोव पर। उसके ऊपर मैंने एक हांडी रखी है, आप चाहे तो कोई भी चौड़ा बर्तन ले सकते हो जिसके ऊपर अच्छे से ढक्कन भी रहे, और साथ ही इसके अंदर मैंने जो हमारी सेमी कुक्ड सब्जी है वो डाल दी है, और उस पर हमारी सेमी बॉयल्ड राइस, इसको एकदम अच्छे से लेयरिंग करनी है हमें। तो नीचे सब्जी और ऊपर राइस, अच्छे से भर लीजिए एक एक लेयर। और अब हम क्या करेंगे, इस पर जो हमारा झोल है वो डाल देंगे, उसकी 1/2 क्वांटिटी हम लोग डाल देंगे पहले, और साथ ही कुछ पुदीने के पत्ते, और हमारे ब्यूटीफुल क्रिस्पी अनियंस, इसकी आप अपनी मर्जी से इसकी क्वांटिटी डाल सकते हैं। अब हम दूसरी लेयर प्रिपेयर करेंगे, उसके लिए भी मैं सब्जी डालूंगी पहले, और उसके ऊपर मैं डालूंगी राइस, और उसके ऊपर फिर से हमारा झोल डालेंगे हम लोग बाकी बचा हुआ, और साथ ही पुदीने के पत्ते और हमारे क्रिस्पी अनियंस। अब हम इसको क्या करेंगे, अच्छे से ढक देंगे, और हमारा जो फ्लेम है एकदम लो फ्लेम रखना है हमें,
ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, दम के लिए आटा प्रिपेयर करेंगे। जब वेज दम बिरयानी हम लोग बनाते हैं उस पर दम पड़ता है, तो इसके लिए हम लोग आटा बांध देंगे और उसको एक लंबी रस्सी का आकार देंगे, ये देखिए। तो अब हम इससे इस ढक्कन को एकदम अच्छे से चिपका देंगे ताकि कोई भी एयर है वो बाहर से अंदर नहीं जा सके और अंदर की जो भाप है वो बाहर नहीं आ सके। इससे जो अंदर जो भी मसाले हमने डाले हैं उसका एक अलग ही फ्लेवर आएगा और वो उसके चावल में समा जाएगा, तभी तो बनेगी ये बहुत ही टेस्टी वेज दम बिरयानी। तो अब यहाँ पर 30 से 35 मिनट्स हो गए हैं, तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग जो आटा है ऊपर लगाया हमने उसको निकालेंगे और ये बहुत ही आसानी से जब निकल जाता है इस तरह से, थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो समझिए कि हमारी बिरयानी तैयार हो चुकी है। बस ये एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फ्लेम है वो बहुत ही एकदम स्लो फ्लेम पे रखना है। तो ये देखिए टेस्टी और ब्यूटीफुल, जो देखने में भी बहुत सुंदर लग रही है, हमारी बिरयानी तैयार हो चुकी है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, हमारे ट्रिक्स एकदम अच्छे से आपने फॉलो किए हैं, बनाए हैं और अच्छा लगा आपको, तो शेयर कीजिए मेरे वीडियोज़ को एंड लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। थैंक यू सो मच।